अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव की शुरुआत की है। आज पहले दिन 21 किलोमीटर की साइकिलिंग और मैराथन दौड़ रन फॉर राम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता का शुभारम्भ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र और गोपाल ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री राम फ्लैग लहराकर किया। 9 दिवसीय श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम में 7 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ओलंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े गोपाल का कहना है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जोड़ने के लिए 2 दिवसीय राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जोड़ने के लिए 9 दिवसीय राम जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से आए प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं, जिनको ट्रस्ट की तरफ से रुकने खाने के साथ साथ तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यही नहीं, प्रतिभागियों को प्रोत्साहन के रूप में राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बुजुर्ग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बुजुर्गों के साथ साथ युवतियाँ भी मैराथन और साइकिल रेस में शामिल हुई है। श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के द्वारा गठित श्री राम जन्म महोत्सव समिति द्वारा 10 दिवसीय आयोजन श्री राम जन्म महोत्सव के नाम पर हो रहा है। कल शाम को रामकोट परिक्रमा हुई, हजारों लोग उसमें भाग लिए, संत भी थे। आज प्रातः पूरे देश भर के साइकिल से दौड़ने वाले युवा अभी पहुंचे हैं। 6:30 बजे हम इसको फ्लैग ऑफ करेंगे, ध्वज दिखाएंगे। यहाँ से 21 किलोमीटर का साइकिल यान प्रारंभ होगा, उसके साथ साथ 10 मिनट के बाद ही राम इसमें शामिल हो रहे हैं। साइकिल रेस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने किलोमीटर की दूरी यात्रा है? 21 किलोमीटर चलाए हैं साइकिल। क्या नाम है? सुधा वर्मा। मेरी उम्र 62 इयर्स है और आगे काफ़ी लोग साइकिल चलाएं, इसलिए हम अवेयरनेस क्रिएट हो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। प्रदूषण भी कम होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जो है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग चलाएं हूँ जो है। एज इज ए नंबर। क्या नाम है आपका? शिव कुमार सिंह। आए हो? हम अयोध्या से आए हैं। क्या करने के लिए? यहाँ साइकिल रेस करने के लिए आए हैं। कैसा लग रहा है? किस किलोमीटर चला है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो लग रहा है कि हाँ टेम्पो में पार हो जाएंगे। क्या नाम है? अंकिता दुर्गा। वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस। कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम, जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाए और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।